थ्री स्नाइपर टिप्स यू शुड ट्राई इन 2023। ओके, नॉर्मली AWM से बॉडी शॉट 150 का डैमेज देता है, पर मेरा AWM 200 प्लस का डैमेज दे रहा है। यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं सिर्फ एक ही गोली मार रहा हूँ एंड बंदा खत्म। और तो और, सामने वाला बंदा 3 लेवल की वेस्ट पहन रखी है, तब पर भी ये 200 से भी ज्यादा का डैमेज दे रहा है। तुम भी अपने AWM का बॉडी शॉट डैमेज 150 से 200 से भी ज्यादा कर सकते हो एंड एक ही गोली में एनिमी फिनिश। सो वीडियो में बने रहो, बहुत मजेदार ट्रिक्स बताई गई है जो कि 2023 में सबको यूज करना चाहिए। सो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में हम AWM के कुछ स्टैंडर्ड टिप्स जानने वाले हैं। अगर तुम्हें AWM बिल्कुल चलाना नहीं आता तो पहले ये वाली वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें बेसिक से बेसिक चीजें बताया गया है, कैसे AWM चलाना है, कैसे मूवमेंट करना है, सेंसिटिविटी कितना रखना है और भी बहुत कुछ। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो कॉमेंट बॉक्स। ओके, देन यू वॉच इट, बिकॉज इस वीडियो में हम पुरानी ट्रिक्स नहीं बल्कि कुछ नया 3 मजेदार टिप्स जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल बहुत डाउन चल रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। तुम्हारे एक लाइक सब्सक्राइब से तुम्हारे उंगली तो नहीं दुखेंगे, पर तुम सब एक एक लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो सब लोग एक साथ लाइक कर दो। तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप्स नंबर 1, हाउ टू किल एनिमी इन वन शॉट विद AWM। आई नो द नेम इज टू लॉन्ग, बट हिज वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली यू नो दैट AWM बॉडी शॉट 150 का पड़ता है एंड हेड शॉट 1100 का, बट अब तुम्हारा AWM 150 का नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा का डैमेज देगा और बंदा एक ही गोली में फिनिश। वेल, इसके लिए तुम्हें मारो कैरेक्टर यूज करना होगा। मारो कैरेक्टर का स्किल है, एनिमी से जब हम दूर से फाइट लेते हैं तो ये उस टाइम डैमेज को बढ़ा देता है। यहाँ पे देखो, मैं एनिमी से काफी ज्यादा दूर में हूँ एंड मैं जैसे एनिमी के ऊपर फायर किया, यहाँ 150 के बदले 174 का डैमेज पड़ा। एंड जैसा कि मैंने कहा था, एनिमी को एक गोली में मार के दिखाऊंगा, पर यहाँ तो 174 का ही डैमेज पड़ा एंड हेल्थ तो 200 की होती है। अभी भी 26 डैमेज कम है, बट अब हम मारो के साथ केली यूज करेंगे। बेसिकली केली का स्किल तो सिर्फ 6% मूवमेंट इंक्रीज करना है, बट इलाइट केली का स्किल स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीजेड बाय 6%, अवेकिंग स्प्रिंट फॉर 4 सेकंड टू एक्टिवेट व्हेन एक्टिवेटेड फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट इन्फ्लिक्ट 106% डैमेज लास्ट फॉर 5 सेकंड। दरअसल ये कहना ये चाह रहा है, ये 6% मूवमेंट तो हमेशा देगा ही एंड उसके साथ साथ हम जब रन करना स्टार्ट करेंगे और 4 सेकंड तक दौड़ने के बाद जब हम रुकेंगे तो ये हमारे गन का फर्स्ट बुलेट 106% डैमेज बढ़ा देगा, जो कि 5 सेकंड के लिए होगा। मतलब 4 सेकंड दौड़ के रुकने के बाद हमें 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें हम एनिमी के ऊपर फायर करेंगे, तो जो पहला गोली एनिमी को लगेगा, यानी पहला गोली जो एनिमी को टच होगा, वो 106% डैमेज इंक्रीज्ड होगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं एंड पहले हमें मारो की वजह से 3 लेवल के वेस्ट पे AWM से बॉडी शॉट 174 का डैमेज मिल रहा था एंड इलाइट के लिए लगाने के बाद देखते हैं कितना मिलता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ये 200 से भी ज्यादा का डैमेज पड़ रहा है एंड एक ही गोली में बंदा खत्म। एंड अगर तुम्हें और भी ज्यादा डैमेज चाहिए तो इसमें होमर भी ऐड कर दो। एनिमी पे फायर करने से कुछ सेकंड पहले होमर को यूज करो एंड जैसे ही ड्रोन एनिमी पे लगेगा, ये 20-25 HP तो डैमेज कर ही देगा एंड उसके साथ एनिमी का मूवमेंट भी कुछ सेकंड के लिए डाउन कर देगा। एंड तुम अब उस बंदे को AWM से मारोगे तो वो एक ही गोली में मर जाएगा। इसको गेम में यूज करके देखना, मैं कैरेक्टर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट कैरेक्टर मारो, सेकंड इलाइट के लिए, थर्ड होमर एंड फोर्थ कैरेक्टर तुम अपने हिसाब से यूज कर लेना। अगर स्कोप ऑन करके ज्यादा AWM चलाते हो तो लॉरा कैरेक्टर यूज कर लेना, एंड अगर विदाउट स्कोप खेलते हो, कम स्कोप यूज करते हो, तो यू कैन गो विथ रफेल। आई होप दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता होगा। एंड पेट में ड्रैकी यूज कर लेना, इससे तुम्हें 30 मीटर के रेंज में कोई एनिमी मेडिकेट करता है तो तुम्हें उसकी लोकेशन शो होगी। एक तरह से ये मोको का काम करता है। टिप्स नंबर 2, हाउ टू सेट एम। देखो, AWM चलाने के लिए तुम्हें अच्छे से एम सेट करना आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें सेटिंग में आ जाना है एंड लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज कर देना है। देन कस्टम HUD में आ जाओ एंड एक्स्ट्रा फायर बटन को लेफ्ट साइड कहीं भी रख दो, जहां तुम्हें क्लिक करने में आसानी हो। एंड अब आ जाओ गेम के अंदर। नॉर्मली तुम जब AWM चलाते हो तो कैसे चलाते हो, पहले राइट उंगली से बंदे के ऊपर एम सेट करते हो, फिर उसी फिंगर से फायर करते हो एंड इसमें बहुत टाइम लगता है और तब तक बंदे भी भाग जाते हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करोगे तो कभी एम सेट नहीं कर पाओगे और सामने वाला बंदा तुम्हें मार के चला भी जाएगा। तुम्हें लेफ्ट थंब से जॉयस्टिक पकड़ना है एंड तुम्हें नूब वॉक करना है और राइट थंब से एम सेट करना है एंड जैसे ही एम बंदे के ऊपर आ जाए, लेफ्ट उंगली से लेफ्ट फायर कर देनी है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और एम भी जल्दी सेट हो जाएगा और इसमें गोली मिस होने का कम चांस होता है। एंड अब आ जाते हैं लास्ट ट्रिक के ऊपर, टिप्स नंबर 3, हाउ टू फास्ट स्विच AWM। देखो, तुम सिंगल AWM चलाओ या डबल, दोनों का ही स्विचिंग फास्ट कर सकते हो। अगर तुम 3
थ्री फिंगर खेलते तो ये करना तुम्हें आसान होगा, एंड अगर तुम दो फिंगर खेलते हो तो भी इसे कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं डबल स्नाइपर की। सबसे पहले तुम्हें स्कोप ओपन कर लेना है एंड राइट थंब से एम एनिमी पे सेट करना है। जैसे ही एम सेट हो जाए लेफ्ट फिंगर से लेफ्ट फायर बटन क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही राइट वाले थंब से दूसरा AWM स्विच कर देना है और तुरंत लेफ्ट वाली फिंगर से स्कोप ओपन करके फिर से फायर कर देना है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है एनिमी को कवर लेने का। जब तक वो कवर लेगा तब तक तुम उसे AWM से दो तीन गोली मार दोगे। ये ट्रिक थ्री फिंगर वाले के लिए तो आसान है, पर दो फिंगर वाले भी ट्राई करना। दो तीन दिन प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी सीख जाओगे। बस अपने हिसाब से स्कोप एंड दोनों फायर बटन को सेट कर लेना। एंड अब सिंगल स्नाइपर की बात कर लेते हैं। इसे तुम डबल स्नाइपर की तरफ फास्ट चला सकते हो। इसे करने के लिए तुम्हें पहले स्कोप ओपन करना है एंड अगेन राइट थंब से एम सेट करो एंड लेफ्ट फायर बटन से फायर करो। एंड जैसे ही फायर होगा गन को रिलोड कर दो एंड तुरंत स्कोप ओपन कर दो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये रिलोड भी हो जाएगा एंड तुम फिर से फायर कर सकते हो। एंड इस ट्रिक की खासियत है तुम्हारा स्नाइपर का बुलेट कभी खत्म ही नहीं होगा। और इसी तरह सिंगल स्नाइपर को डबल स्नाइपर की तरह चला सकते हो, वो भी स्पीड में। आज के डेट में जिसे AWM चलाना आता है उसे ही प्रो माना जाता है। तो जाओ एंड ये सारे टिप्स को गेम में करके देखो। दो तीन दिन प्रैक्टिस करो एंड चौथे दिन आके मुझे थैंक्स बोल देना। रुको रुको, अभी मत जाओ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी बहुत खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लो। फायदा तुम्हारा ही है। और ईमानदारी से सब लोग एक एक लाइक कर दो। मेरा चैनल डाउन चल रहा है, तुम्हारे एक एक लाइक से मेरा चैनल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्लीज लाइक कर दो एंड इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो डबल वेक्टर चलाता है एंड कस्टम में भी नेड यूज करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।